मित्रों, जापान के स्कूलों के कुछ ऐसे नियम जिन्हें जानने के बाद आप भी यही बोलोगे क्या बढ़िया था। नंबर वन, कई जापान के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को आस्की करना सख्त मना है। कुछ उनका मानना है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, मगर फिर भी अगर कोई निब्बा निब्बी पाए गए तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नंबर टू, दोस्तों अपने स्कूल में आपने देखा होगा कि स्कूल की साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी बोले तो आंटीज होती हैं, मगर जापान में बच्चों को बचपन से क्लासरूम को साफ करना सिखाया जाता है। एंड जब तक बच्चे क्लास को साफ नहीं करते तब तक उन्हें घर जाने की भी अनुमति नहीं होती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने डोरेमोन के एपिसोड्स में देखा होगा। नंबर थ्री, मित्रों जापान के स्कूल्स में हर बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, और इनकेस अगर कोई नालायक नोबिता की तरह स्विमिंग करना नहीं सीख पाता तो उसे पूरे समर वेकेशन तैरना सीखना पड़ता है। ये बढ़िया है यार। नंबर फोर, यहाँ के स्कूल्स में ना तो बॉयज और ना ही गर्ल्स को लंबे बाल और ना ही कोई हेयर स्टाइल रखने की इजाजत है। कुछ इनका मानना है कि लंबे बालों की वजह से बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते। एंड मुझे जो सबसे मस्त स्कूल रूल लगा कि लड़कियां स्कूल टाइम पर मेकअप नहीं कर सकती एंड ना तो अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा सकती। वेल डन जापान, कोई तो अच्छा रूल बनाया।